हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.3 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 18। सो आई एम कवरिंग ऑल क्वेश्चंस जितने भी इस एक्सरसाइज में रहते हैं, लेकिन एक्सेप्ट वन क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वो क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ओवरऑल करके बताऊंगी, क्योंकि उसमें बहुत सारे स्टेप्स आपको बताने पड़ेंगे एकदम आराम से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इस वीडियो में मैं 18 टू लास्ट अप टू 24 क्वेश्चंस कवर करूंगी, एक्सेप्ट 22। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारे पास यही रहेगा कि हम कॉस ट्वाइस ऑफ एक्स की जगह साइन वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो कॉस ट्वाइस ऑफ ए का फॉर्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वेयर ए। सो यहाँ पर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ। आफ्टर अप्लाइंग इन द फॉर्म ऑफ एक्स, तो मेरे पास वैल्यू आएगी 1 - 2 साइन स्क्वेयर एक्स एंड रिमेनिंग एज इट इज। एंड यहाँ पे क्लियर पता चल रहा है कि 2 साइन स्क्वेयर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वेयर एक्स कैंसल आउट हो रहा है, राइट। सो अब मेरे पास वैल्यू क्या रहेगी है, ओनली 1 अपॉन कॉस स्क्वेयर एक्स, एंड दैट इज वेरी इजी। आप इसको न्यूमिनेटर में लिखोगे तो सीकेंट स्क्वेयर एक्स हो जाएगा, एंड इसका इंटीग्रेशन इज वेरी वेरी इजी, दैट इज ओनली टैन एक्स प्लस सी, बिकॉज सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स। सो दिस इज द डायरेक्ट आंसर यू आर गेटिंग फॉर क्वेश्चन नंबर 18। सो नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 19। सो क्वेश्चन नंबर 19 में सबसे पहला स्टेप यही रहेगा कि जहां पर आपका 1 है उसके लिए मैं ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर रही हूँ, साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए इक्वल्स टू 1। सो अकॉर्डिंग टू एंगल, यहाँ पर जो भी आपका एंगल है वो आप यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। सो ऊपर आएगी वैल्यू साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स। सो अब मैं साइन स्क्वेयर एक्स के नीचे अलग से एक बार ये लिखूंगी, प्लस सेपरेट करके कॉस स्क्वेयर के नीचे एक बार ये लिखूंगी, लाइक बिफोर एलसीएम जब आपको वैल्यूज दिखती हैं लाइक दिस। सो यहाँ पे एक बार साइन से एक साइन कट गया, यहाँ से कॉस स्क्वेयर की वैल्यू आपकी कैंसिल आउट हो चुकी है। सो यहाँ पर आपके पास एक बार साइन एक्स वैल्यू ऊपर रह चुकी है न्यूमिनेटर में, और नीचे सिर्फ वैल्यू रह चुकी है कॉस एक्स कॉस स्क्वेयर एक्स। नीचे वैल्यू थी कॉस क्यूब में, लेकिन मैंने उसको स्प्लिट करके इस तरह से लिखा है क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में जब इसको क्या लिखूंगी, टैन एक्स लिख सकूँ इसीलिए। एंड यहाँ पर वैल्यू पूरी कैंसिल हो चुकी है, तो यहाँ पर आपके पास 1 अपॉन साइन एक्स एंड मल्टीप्लाई विद कॉस एक्स है। तो इसके लिए यहाँ पे एक स्मॉल सी ट्रिक यूज होने वाली है। तो यहाँ पे इसको तो आप लिख दो टैन एक्स, और ये न्यूमरेटर में जाएगा तो सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। इस पूरी पोर्शन को मैंने टैन एक्स लिख दिया, इस वैल्यू के न्यूमरेटर में भेजोगे तो सीकेंट स्क्वायर एक्स हो जाएगा, राइट। प्लस अब यहाँ पे एक ट्रिक जो अप्लाई होने वाली है वो यहाँ पर ध्यान से देख लो, दैट मीन्स कॉस एक्स से मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, कॉस एक्स से ही डिवाइड कर रही हूँ। अभी भी क्या है, ये बैलेंस्ड ही है, राइट। सो कॉस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से आपको एक बेनिफिट मिलेगा जो कि अभी आपको दिखने वाला है। सो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को आप क्या लिख सकते हो, टेन एक्स, और ये क्या है, कॉस स्क्वेयर एक्स हो जाएगा, और जिसको आप न्यूमरेटर में क्या लिखोगे, ऑब्वियसली सीकेंट स्क्वेयर एक्स। तो यहाँ पर आपके पास ये टर्म अल्टीमेटली, ये पूरी टर्म इक्वेशन जो कैसे दिख रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल टेन एक्स सीकेंट स्क्वेयर एक्स प्लस ऊपर वैल्यू है सीकेंट स्क्वेयर एक्स डिवाइड बाय टेन एक्स। मतलब ये पोर्शन को मैं नेक्स्ट पेज पे क्लियरली आपको इनलार्ज करके दिखाती हूँ, डोंट वरी। सो ये वैल्यू आपकी आई है। सो यहाँ पे आपको पूरी इक्वेशन में क्या वैल्यू कॉमन दिख रही है उसको मैं कॉमन लिखने लगी हूँ, दैट इज सीकेंट स्क्वेयर एक्स की वैल्यू जैसे ही कॉमन होगी तो यहाँ रह जाएगा टेन एक्स, और यहाँ पर रह जाएगा 1 अपॉन टेन एक्स, राइट। सो अब मैं यहाँ पर ऑब्वियसली सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सिंप्लीफाई करने वाली हूँ, लेट कर लो, दैट मीन्स टेन एक्स की वैल्यू को टी के इक्वल, बिकॉज जब आप टेन एक्स की वैल्यू को टी के इक्वल लेट करोगे तो आपके पास इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद सीकेंट स्क्वेयर एक्स वैल्यू आएगी, एंड एग्जैक्टली वो आपको किसके इक्वल लिखनी है, डी टी के इक्वल। सो आई होप जिनको अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड स्टिल अभी भी नहीं आता है वो प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देखें, राइट। सो यहाँ पर जहाँ पर टेन एक्स है वहाँ पर तो टी टी हो जाएगा, राइट, और ये वैल्यू कंबाइन करके क्या बन चुकी है, डी टी। अब आपको जस्ट इसका इंटीग्रेशन करना है, दैट मीन्स
इन वैल्यू का इंटीग्रेशन करना है, दैट इज़ वेरी इजी। टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वेयर अपॉन टू प्लस इसका इंटीग्रेशन लॉग में मॉड टी प्लस सी, ठीक है। सो यहाँ पर अब आपको जो वैल्यू टी की है वापस से डालनी है। सो यहाँ पर टैन स्क्वेयर एक्स अपॉन टू हो चुका है, यहाँ पर टेन टी हो चुका है प्लस सी। सो दिस इज द फाइनल आंसर, बहुत ही ईजी था, राइट। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 20। सो कॉस ट्वाइस ऑफ एक्स है ऊपर, सो आपको ऐसा फॉर्मूला लिखना है क्योंकि नीचे है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। सो कॉस ट्वाइस ऑफ ए में ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें कॉस भी आता हो साइन भी आता हो, एंड दैट इज कॉस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए। ये फॉर्मूला है कॉस ट्वाइस ऑफ ए का। तो हम यहाँ पे ये अप्लाई कर देते हैं इन द टर्म्स ऑफ एक्स, क्योंकि यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स नहीं है, तो हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एक्स एंगल के अकॉर्डिंगली पुट करेंगे, तो कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स हो जाएगा, और नीचे क्या है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वेयर। अब आप ऊपर वाले न्यूमरेटर पार्ट को इस तरह से देखो, ए का स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर, और इसकी आइडेंटिटी कैसे होती है ओपन, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो कॉस एक्स को ए मानो, बी को मान लो साइन एक्स, तो इसको इस तरह से ओपन करके आपको न्यूमरेटर में लिखना है। सो दैट मीन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एक बार आएगा, एक बार इन टर्म्स ऑफ माइनस आएगा, और नीचे वैल्यू है पॉजिटिव वाली स्क्वेयर में, तो वो ऊपर वाले पॉजिटिव के साथ कैंसिल हो जाएगी एक, राइट क्योंकि नीचे स्क्वेयर है, टू वैल्यूज हैं और ऊपर एक ही है। अब ऊपर रह चुकी है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और नीचे रह चुका है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। सो अब आप क्या करो, नीचे वाली वैल्यू को लेट कर लो टी। सो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को अगेन सब्सटीट्यूशन मेथड से करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो वैल्यू आपकी कैसी आएगी, एग्जैक्टली न्यूमरेटर जैसी। तो उसको जो भी न्यूमरेटर में है वैल्यू, ये पूरी डी टी के इक्वल लिख दो, और ये वैल्यू है टी, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो लॉग मॉड में टी। सो वापस से यहाँ पर जो भी टी की वैल्यू है पुट करने के बाद आपको फाइनल आंसर मिल चुका है, एंड दैट इज़ वेरी इजी, राइट। सिर्फ एक कॉस ट्वाइस ऑफ एक्स की आइडेंटिटी अप्लाई करने के बाद ही आपका जो आंसर है सिंपलेस्ट वे में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज एक्सरसाइज 7.3 में हो ही रहा है, राइट। सो नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 21। सो क्वेश्चन नंबर 21 देखो, अगर हम इंटीग्रेशन को अभी छोड़ दें, तो अगर आपके पास इस तरह से वैल्यू होती साइन इनवर्स के साथ एंगल में कॉस है वैल्यू, तो साइन इनवर्स जिन्होंने चैप्टर 2 पढ़ा है उनको आइडिया लग चुका है कि यहाँ पर जब तक साइन नहीं होगा तब तक आपके पास सिंपलेस्ट वैल्यू नहीं आ पाएगी, राइट। तो यहाँ पर साइन अंदर लेकर आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एंगल चेंज करना पड़ेगा, और एंगल कौन कौन सी वैल्यू से चेंज होता है, 90 डिग्री एंड 270 डिग्री, राइट। 180 और 360 में नो चेंज, ये सबको पता है, ये वो वाली फॉर्मूलाज की बात कर रही हूँ जो चैप्टर 2 में यूज़ हो चुके हैं। सो जिन स्टूडेंट्स ने चैप्टर 2 अच्छे से पढ़ रखा है उनको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे। ऑब्वियसली साइन चाहिए मुझे, तो साइन तभी आ पाएगा जब आप 90 अप्लाई करेंगे और 90 माइनस करेंगे, ये आपके पास 90 है, 90 माइनस मतलब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं, 90 माइनस का मतलब ही यही होता है कि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में जंप कर रहे हैं, ठीक है। सो जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसलिए जंप कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं, तो मैंने एक ऐसी वैल्यू ले ली 90 में चेंज होता है, सो मैंने यहाँ पे साइन लिखा है। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब है कि कॉस एक्स अगर आप इसको सॉल्व करते हो साइन का कॉस में हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 90 है यहाँ पे और एंगल अकॉर्डिंगली आ जाता है। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला का मतलब ये होता है, अगर साइन 90 माइनस थीटा है, साइन 90 माइनस थीटा है, तो आपके पास कॉस थीटा वैल्यू आती है, वो आपको बेसिक पता है। अगर नहीं पता है, प्रॉपरली जानना चाहते हो एकदम डीप में, तो आप चैप्टर 2 देख सकते हैं मेरे चैनल पर, ठीक है। सो यहाँ पर फिलहाल कॉस थीटा हमारा क्या है, कॉस एक्स, एंगल के अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पर वैल्यू डाल दी है। सो अल्टीमेटली कहने का मतलब है कॉस एक्स को साइन 90 डिग्री माइनस एक्स लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू ये आती है और इसकी वैल्यू ये आती है, तो कॉस एक्स की जगह मैं बिल्कुल लिख सकती हूँ, और जैसे ही ये वैल्यू साइन में आ रही है
तो ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। अगेन चैप्टर टू, राइट। सो यहाँ पर मेरे पास सिंपलेस्ट वैल्यू क्या आई है, जो कि पूरे एंगल में थी, ठीक है। सो ये इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। ये एक कांस्टेंट वैल्यू है और ये एक एक्स वैल्यू है। सो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन दैट मींस अल्टीमेटली वन का इंटीग्रेशन, सो दैट मींस एक्स, जो भी कांस्टेंट वैल्यू है वो तो आएगी ही आएगी। आप इसको इस तरह से देख सकते हो, कांस्टेंट वैल्यू को बाहर रख दोगे तो अंदर क्या है, वन। सो वन का इंटीग्रेशन होता है एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन होता है लाइक दिस। आई होप ये बहुत ही ईजी था, कुछ भी नहीं है, ये एक फॉर्मूला लगा है, नथिंग एल्स। सो नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 23। सो यहाँ पर जैसे हम एलसीएम को देखते हैं बिफोर, सो यहाँ पर एक बार इस वैल्यू के नीचे मैं ये वैल्यू लिखूंगी, माइनस स्प्लिट करके एक बार इस वैल्यू के नीचे ये पूरी वैल्यू आ जाएगी, लाइक बिफोर एलसीएम जैसे वैल्यू आपको दिखती हैं। सिंपली मैंने इनको अलग अलग करके लिख दिया है, नथिंग एल्स। अब जो भी वैल्यू आपकी कैंसिल आउट हो रही है उसको कैंसिल कर दो। यहाँ पर रह गया है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर रह गया है 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। दोनों वैल्यूज को न्यूमरेटर में भेजोगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा, आप इसको स्प्लिट करके भी लिख सकते हो लाइक दिस, ठीक है। अब आपको क्लियर पता चल जाएगा, इस वैल्यू को स्प्लिट करोगे तो ऊपर वैल्यू आएगी सीकेंट स्क्वायर एक्स, इसको ऊपर भेजोगे तो कुछ सीकेंट स्क्वायर एक्स वैल्यू आएगी। एंड दोनों का फॉर्मूला आपको पता है इंटीग्रेशन का, सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है टेन एक्स, एंड को सीकेंट स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स। सो माइनस ऑलरेडी है तो इसको कर देगा प्लस। सो दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 24। सो सबसे मेन इंपॉर्टेंट स्टेप जो है क्वेश्चन नंबर 24 में, सबसे पहले इस वैल्यू को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दो और इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दो। सो अब आपको इस तरह से दिखेगी, और नीचे वैल्यू क्या है, कॉस स्क्वायर ई एक्स इन टू एक्स। सो ये पूरी वैल्यू एग्जैक्टली सेम सेम है, राइट। सो मैं लेट जैसे ही करूँगी ई एक्स इन टू एक्स को टी, तो जब आप इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं जब भी हम यहाँ पर, तो वैल्यू आपको क्या मिलेगी। अब यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन हो रहा है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि यहाँ पे टू फंक्शंस का प्रोडक्ट हो रहा है। सो फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, दूसरे फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन इज वन। Now this function as it is, इसका differentiation this। So आपके ऊपर यही value आ रही है ई एक्स प्लस एक्स इन टू ई टू द पावर एक्स डी एक्स। सो जिसको आप क्या लिख सकते हो, डी टी। बहुत ईजी था। और ये पूरी वैल्यू को आप क्या मान चुके हो स्टार्टिंग में ही, टी। तो इस पूरी वैल्यू को रख दो टी। अभी इस वैल्यू को ऊपर न्यूमिनेटर में लिखोगे तो secant square t हो जाएगी, एंड दैट इज़ वेरी इजी, क्योंकि secant square t का आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन पता है, दैट मीन्स tan t। एंड t की वैल्यू जो भी थी आपने लेट की वो आप लिख दो यहाँ पर। दिस इज द फाइनल आंसर यू आर गेटिंग। सिर्फ एक ही छोटी सी ट्रिक थी कि आपको इस कॉम्प्लिकेटेड एंगल को लेट करना था t, एंड ऊपर ये वैल्यू को जैसे ही, अगर आप पहले मल्टीप्लाई ना भी करते और इसका डायरेक्ट लेट t करके इसको डिफ्रेंशिएट करके देखते, तो आपको क्लियर पता चल जाता कि ये तो ऐसी वैल्यू आ रही है, जब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी या करूँगा तो आपको यही वैल्यू मिलने वाली है, राइट। सो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन हैं यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज अगर आपको आते होंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, आपका जो रह गया है इस एक्सरसाइज का वो भी बताऊंगी, एंड एक्सरसाइज 7.4 भी स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।